असलम एवरी एवरीवन होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट एंड वेल आई एम आल्सो फाइन वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एंड वेलकम टू अनदर वीडियो सो आज है ईद का दूसरा दिन ईद डे टू और ईद उल फितर में दावतें होती हैं मोस्टली हम जाते हैं हमारे घर कोई आता है इसी तरह से आज भी हमारे घर है मामू की दावत सो so, कल भी इन लोगों ने आना था बट बरताबू की वजह से हमने उनको कैंसिल करवा दिया और आज हमने उनको इन्वाइट किया है अभी मैं सोई उठी हूँ मैं काफ़ी लेट उठी हूँ बिकॉज़ सुबह मुझसे सोया भी नहीं जा रहा था क्योंकि एक रमज़ान की रूटीन बनी होती है उसकी वजह से सोया नहीं जा रहा था और फिर मैं बहुत लेट सोई हुई करीबन पाँच सात छः बजे ऑलमोस्ट बच्च सोई थी सो अब मैं उठी हूँ तकरीबन वन ओ क्ला सारा काम करना है घर बहुत गंदा हो गया है मम्मा के साथ खाना बनवाना है प्याज सब कुछ काटना वाटना है तो वो जल्दी से करते हैं उस घर को ज़रा चमक दमक दे कर फिर मुझे ख़ुद को भी चमकाना है तो चलते हैं जल्दी से काम स्टार्ट करते हैं और राइट सब मैंने इशार लेना है मैं सोच रही हूँ कि मैं कुछ ऐसा पहन लूँ जो कम्फर्टेबल भी हो और यू नो डिसेंट भी हो so, एक ये ग्रे है एक ब्लैक है और एक ये ब्लू है ब्लू पर मेरा मूड हो रहा है जिसकी मैंने इन थाउजेंड फाइव थाउजेंड वाली वीडियो भी शूट की थी सो so, मेरा मूड है कि मैं यही पहन लूँ बिकॉज ये काफ़ी कम्फर्टेबल सा है सो आई एम गो नाट गो विद दिस वन राइट चलें जी आप जल्दी से शार्क रहते हैं और इसके साथ जो चीज़ें पहननी है वो भी आप लोगों को शो करती हूँ अगर मुझे, मुझे मौका मिल गया तो ज़रूर पहनूँगी वरना तो ऑब्वियसली स्कीप ही है और खाना भी मैं आप लोगों को भी दिखाती हूँ अभी मैं शॉर्ट लेकर आई ही थी सो आप ही आ गई थी और साथ में ही मैंने ऑर्डर भी दे दिया था क्योंकि मामू के कुछ लाइक बच्चे जो हैं वो ज़रा एज में छोटे हैं तो वी प्रेफर कि हम लोग साथ कुछ जंक फूड भी मंगवा लें हमने यहाँ मंगवाया एक्स्ट्रा लार्ज स्पेशल पिज्ज़ा फ्राम मिस्टर विंग्स एंड सम हॉट विंग्स साथ में बिकॉज वो तो मैंडेट्री होते हैं हमारे घर में तो खाए जाते हैं सो विद दैट्स वाई ऑर्डर इट और ज्वेलरी वगैरह मैंने सब कुछ किया लेकिन खाना लगाना था तो मैंने कुछ रिकॉर्डिंग किया बस जल्दी जल्दी में और खाना भी रख चुका है यहाँ पे एंड इस सब के बाद मैंने यकीन जाने आज सारा दिन कुछ भी नहीं खाया लाइक like, लिटरली कुछ नहीं खाया जो घर में खाना बना वो भी नहीं खाया जो बाहर से मंगवाया उसमें से भी कुछ नहीं खाया बिकॉज़ मेरा दिल ही नहीं चाह रहा था और जब सारा खाना बना ममा ने लाइक like, uh, किस इधर उधर बांट ढूँढ दिया और सब ख़त्म खत्म हो गया सो आई वॉज लाइक कि मैं खाऊँ क्या तो मम्मा ने कहा चलो फिर बाहर जा रहे हैं तो देख लेते हैं अगर तुमने कुछ खाना हो पहले तो मैंने सोचा मैं कुछ नहीं खाती लेकिन बाहर आके मुझे फ़ील हुआ कि क्या सारी रात मुझे नींद तो आनी नहीं है रमज़ान की रूटीन है तो क्यों ना कुछ खा ही लिया जाए हम आ चुके हैं यहाँ पर अरब स्पाइसिस पर यहाँ से मैं मोस्ट ऑफ़ द टाइम खाना लाइक जंक फूड लेती हूँ सो यहाँ से मैंने अपने लिए ऑर्डर किया है एक जिंगो एलोपिनो बर्गर सो वो लेकर उसके बाद घर जाना है घर जाके भी बहुत से काम करने वाले हैं वो करने हैं लेकिन आ, इनको शॉर्ट आउट दे देते हैं कि इनका बर्गर बहुत अच्छा है सीरियसली आप लोग भी लाजमी ट्राई कीजिएगा इस सब के बाद बर्गर लेने के बाद कुछ स्नैक्स पे स्नैक्स पर दिल जा रहा था सो हमने सोचा कि क्यों ना ये जो यहाँ पे गैस स्टेशन होते हैं यहीं पर चले जाएं और हमें लेनी थी बिग एप्पल आप ही का इतना दिल जा रहा था तो कि मुझे लेनी ही लेनी है सो हम लोग वो लेने के लिए आगे और अभी पीछे मुझे डांट पड़ी है कि तुम कहाँ चली गई हो आई एम नॉट गोइंग टू बी शो दैट कि मैं वॉइस ओवर लगा रही हूँ वॉइस ओवर लगाने के बाद ही मैं बाहर जाऊंगी सो यहां से स्नैक्स लेकर तो हम लोग जाएंगे वापस Uh, गाड़ी में और ये इतना खूबसूरत गैस स्टेशन था वर्स लुकिंग सो गुड यहाँ पे हर चीज़ थी लाइक स्मॉल टू स्मॉल एंड बिग टू बिग हर तरह की चीज़ें थी और अगेन मेरा uh, आंटियों वाला वॉलेट और मैं और इस ब्लॉक को करते हैं यहीं पे एंड होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा विल सी यू गाइस नेक्स्ट टाइम टिल देन अल्लाह हाफिज़